हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ना नी ने, हिंदी के ना नी ने पे आधारित इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखलाने जा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे तो इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए, टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ना नी ने एंड इंग्लिश, जब भी आपसे कोई पूछता है लिखना कि इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या होती है, तो जाहिर है कि आप जवाब दोगे राइट, इनकरेक्ट। इसका अर्थ हो गया लिखो, इट्स एन इंपरेटिव सेंटेंस। जाना कि इंग्लिश कोई पूछता है तो आप क्या बोल देते हो, गो, इनकरेक्ट, क्योंकि यह भी जाना कि इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं हुई। पढ़ना, पढ़ना तो बहुत से लोग बोलेंगे रीड, बिल्कुल गलत है क्योंकि यह भी एक इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। राइट का अर्थ हो जाता है लिखो, लिखिए। गो का अर्थ होता है जाओ, जाइए। रीड का अर्थ होता है पढ़ो, पढ़िए। आपसे पूछा गया जाना का अर्थ, आपसे पूछा गया लिखना का इंग्लिश इक्विवेलेंट, आपसे पूछा गया पढ़ना का इंग्लिश फॉर्म क्या होगा। याद रखें, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना नी ने आ जाए उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट हमेशा इन्फिनेटिव टू के साथ मेन वर्ब नंबर वन लगाकर बोलना या लिखना है। तो स्टूडेंट्स, लिखना का सही इंग्लिश इक्विवेलेंट होगा टू राइट, करेक्ट। जाना टू गो, करेक्ट। पढ़ना टू रीड, करेक्ट। खेलना टू प्ले, कितना आसान कंसेप्ट है, ये दिमाग में डाल देना है। जब भी आपके हिंदी सेंटेंस में भी कोई वर्ब आता हो ना के साथ, नी के साथ, ने के साथ, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप इन्फिनिटिव टू के साथ मेन वर्ब नंबर वन का प्रयोग करके कर लोगे। तो आइए अब इस ना नी ने के कंसेप्ट को ध्यान में रख करके कुछ अंग्रेजी बोलना या लिखना सीखें। तो यदि आप बोलना चाहते हो, सच बोलना अच्छी बात है, बोलना आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बोलना टू प्लस एमवी नंबर वन, स्टार्ट स्पीकिंग, टू स्पीक, व्हाट, क्या बोलना, सच, द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ इज अ गुड थिंग, टू स्पीक द ट्रूथ इज अ गुड थिंग, सच बोलना अच्छी बात है, टू स्पीक द ट्रूथ इज अ गुड थिंग। अगले सेंटेंस को देखें आप, मैं टहलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, क्या करना, टहलना, टू प्लस मेन वर्ब वन, टू हैव, टू हैव अ वॉक, मैं टहलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव अ वॉक। उसे यहां आना है, क्या करना है, आना है, उसे यहां आना है, ही हैज टू कम हियर, उसे यहां आना है, ही हैज टू कम हियर। हम लोग खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, क्या करने, खेलने, टू प्ले, हम लोग खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले। तो इस तरह से आपने देखा कि ना नी ने पे आधारित हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में चुटकियों में कैसे अनुवाद कर लेंगे। आइए अगले कुछ वाक्यों को देखते हैं। उसने आने से मना कर दिया, उसने आने से मना कर दिया, उसने क्या किया, मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड, ही रिफ्यूज्ड टू कम, उसने आने से मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, क्या करने से मना किया, टू कम, ना क्रिया, ने क्रिया।
अगला है, मैं उसे बुलाने आया हूँ, मैं उसे बुलाने आया हूँ, तो मैंने क्या किया, आया है, आया हूँ, आई हैव कम, मैं उसे बुलाने आया हूँ, आई हैव कम टू कॉल हिम, आई हैव कम टू कॉल हिम, मैं उसे बुलाने आया हूँ, वह यहाँ आने को है, वह यहाँ आने को है, ही इज टू कम हियर, वह यहाँ आने को है, ही इज टू कम हियर, मुझे खाने के लिए रोटी है, यानी मेरे पास रोटी है, आई हैव ब्रेड, मेरे पास रोटी है, आई हैव ब्रेड, क्या करने के लिए, खाने के लिए, एड टू ईट, बड़ी आसानी से आप अनुवाद कर लेंगे, उसने आने से मना कर दिया, ही रिफ्यूज टू कम, मैं उसे बुलाने आया हूं, आई हैव कम टू कॉल हिम, वह यहाँ आने को है, ही इज टू कम हियर, मुझे खाने के लिए रोटी है, आई हैव ब्रेड टू ईट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को, नानी पे आधारित सेंटेंसेस को बोलना सीखते हैं। वह गाने ही वाली है, वह गाने ही वाली थी, सॉरी, वह गाने ही वाली थी, वह गाने ही वाली थी मीन्स एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, शी वॉज About to sing, वो गाने ही वाली थी, she was about to sing, तुम्हें हिंदी बोलनी है, तुम्हें हिंदी बोलनी है, you have to speak, तुम्हें हिंदी बोलनी है, you have to speak हिंदी, उसे हंसना, उसने हंसना जारी रखा, उसने हंसना जारी रखा, उसने जारी रखा, ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, ही कंटिन्यूड, क्या करना, हंसना, टू लाफ, उसने हंसना जारी रखा, ही कंटिन्यूड टू लाफ, उसे बुलाना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, क्या करना, जरूरी नहीं है, उसे बुलाना, टू कॉल हिम, उसे बुलाना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉल हिम, वह गाने ही वाली थी, शी वॉज अबाउट टू सिंग, तुम्हें हिंदी बोलनी है, यू हैव टू स्पीक हिंदी, उसने हंसना जारी रखा, ही कंटिन्यू टू लाफ, उसे बुलाना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉल हिम। इस तरह से स्टूडेंट्स, आप ना नी ने पे आधारित जितने भी वाक्य आते हैं उन सारी क्रियाओं का अनुवाद टू प्लस मेन वर्ब वन लगाकर करें। इस कंसेप्ट को एकदम गांठ बांध लेना है और फटाफट अंग्रेजी बोलनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।